मोहब्बत एक हसीन जज्बा है। दुनिया में मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें बयान की जाती हैं, जिनमें लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, उमर मारवी जैसी कई दास्तानें हैं जिन्हें हम एक जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जिन्हें शायद आपने आज तक सुना ना हो। एक ऐसी ही दास्तान और उसकी निशानी का किस्सा आज हम किस्सा मुख्तसर में आपके साथ शेयर करेंगे। हम सब जानते हैं कि तकरीबन 400 साल पहले एक शहंशाह ने अपनी मलिका से मोहब्बत की यादगार ताजमहल तामीर करवाया, जो कि दुनिया भर में प्यार की सबसे बड़ी अलामत के तौर पर पहचाना जाता है। बकौल साहिर लुधियानवी, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर लुधियानवी के इस शिकवे की परवाह किए बगैर कराची के मारवाड़ी ताजर राय बहादुर शिवरतन मोहटा ने भी अपनी बीवी के लिए कराची में एक शानदार महल खड़ा कर दिया। हाँ, ये जरूर था कि मुमताज महल के बरक्स शिवरतन की अहलिया जिंदा थी, लेकिन एक मौलिक बीमारी में मुब्तला हो गई थी। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अगर उन्हें साहिल समंदर के करीब रखा जाए तो समंदरी हवा से उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। बस फिर क्या था, सेठ शिवरतन ने ठान ली कि बहीरा अरब के किनारे एक ऐसा खूबसूरत महल बनाएंगे जिसकी नजीर पूरे कराची में नहीं मिलेगी। शिवरतन मोहटा एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उनका इंडिया में भी बहुत बड़ा कारोबार था और यहाँ उन्होंने ये महल को 1930s में बनाया है और उसने अपने बच्चों के लिए बनाया था। ये उनका एक कहते हैं समर हाउस था उनका। राय बहादुर शिवरतन मोहटा का शुमार कराची के सबसे मालदार अफराद में होता था और वो शहर की एक मारूफ समाजी शख्सियत भी थे। इलाकाई एतबार से एक मारवाड़ी गुजराती थे जिनका खानदान किसी जमाने में राजस्थान में आबाद था, जहां से कारोबार के लिए उनका खानदान पहले कलकत्ता और फिर कराची आकर आबाद हुआ। उन्होंने सनती शोबे में नाम कमाया। सेठ शिवरतन मोहटा ने क्लिफ्टन के साहिल पर बंगला तामीर करने का फैसला किया तो उनके जहन में राजस्थान के नवाबों के महल थे। यही वजह थी कि उनकी नजर इंतखाब आर्किटेक्ट आगा अहमद हुसैन पर पड़ी, जो उस वक्त कराची म्यूनसिपल्टी में खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनका ज्यादा वक्त राजस्थान में गुजरा था। आगा अहमद हुसैन को बरेसगीर के अव्वलीन मुसलमान माहिरीन तामीरात में शुमार किया जाता है, जो मोहट्टा पैलेस से कबल कराची की दो और मशहूर इमारतों हिंदू जिम खाना और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नक्शे तैयार कर चुके थे। उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पे कराची में आके किया और उनके लिए उनको एक घर चाहिए था और बिकॉज वो एक वेल्थी बिजनेसमैन थे, उन्होंने आगा अहमद हुसैन, जो कि पाकिस्तान इंडिया के एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट के पहले मुस्लिम आर्किटेक्ट थे, उनको उन्होंने कमीशन किया। वो चीफ सर्वेयर बन गए केएमसी के, जो कि कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मोहट्टा पैलेस को पहली बार देखें तो यूं लगता है कि आप वाकई राजस्थान के किसी महल में खड़े हैं। अभी कोई दरवाजा खुलेगा और कोई राजा महाराजा अपने मसाहिबों को साथ लिए महल के बाग में टहलने लगेगा। पूरी इमारत जयपुर फन तामीर के जेर असर डिजाइन की गई है, जिसमें मुगल तर्ज तामीर की झलक भी नजर आती है। महल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला गुलाबी पत्थर जोधपुर, जबकि पीला पत्थर गिजरी के इलाके से लाया गया। उन्होंने ये जो पैलेस बनाया 1927 में, वो कम्प्लीटली एक मुगल रिवाइवल स्टाइल में बनाया, जो आप देख सकते हैं पिंक स्टोन इसमें है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो गुलाबी स्टोन है और गिजरी का जो पत्थर है, जो कि मस्टर्ड और पीले रंग का पत्थर है जिससे ये बिल्डिंग बनी है। उसका जो पीला स्टोन है वो जाहिर गिजरी से है, बट उनका गुलाबी स्टोन जोधपुर से आया था। इमारत की खास पहचान गुंबद, मेहराबें और मीनार हैं, जो मुगलिया तर्ज तामीर की अक्कासी करती हैं और मोहट्टा पैलेस को उस दौर के कराची की दीगर इमारतों से मुमताज करती हैं। दो मंजिला महल में 10 कुशादा कमरे हैं। बैरूनी दीवारों पर गुल बूटों और परिंदों की अशकाल पत्थर पर तराशी गई हैं। आगा अहमद हुसैन मकामी तारीख से बखूबी वाकिफ थे, यही वजह है कि उन्होंने मोहट्टा पैलेस में मकली के मजारात पर कंदा नक्श इस्तेमाल किए। देख सकते हैं बिल्डिंग में बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिव्स बने हुए हैं
और जो मोस्टली मोटिव आप देख सकते हैं जो कि स्टोन में कार्व हुए हैं वो है या पीकॉक्स के या हिबिस्किस फ्लावर है या तो वो है आपका लोटस फ्लावर. एंड ये जो तीन जो ये सिंबल जो बार बार हम स्टोन पे देखते हैं और बिल्डिंग की कार्विंग पे देखते हैं ये हम एसोसिएट करते हैं कि तीनों जो चीज़ें हैं सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी सिंबल ऑफ यू नो डूइंग वेल वेल्थ गुड लक. इमारत के चारों कोनों में एक एक मीनार तामीर किया गया है जिसके ऊपर एक हसीन गुंबद भी मौजूद है जबकि इमारत की छत के बिल्कुल सेंटर में एक बाला खाना तामीर किया गया है जिसकी दीवारों पर शीशे की खिड़कियां मौजूद हैं जहां से उस जमाने में समंदर के हसीन नजारों और वहां से आने वाली फरहत बख्श हवाओं से लुत्फंदोज हुआ जा सकता था. और इसी बाला खाने के चारों तरफ फिर छोटे छोटे गुंबद और बीच में इन गुंबदों से कदरे बड़ा एक गुंबद तामीर किया गया है. ये बाला खाना और गुंबद जहां मुगलिया दौर की तामीर की तरफ इशारा करते हैं वहीं ये इमारत को सूरज की तपिश से बचाने का भी काम करते हैं. डोम्स तो इसके उसी तरह के जो महलों में स्ट्रक्चर्स हैं आप देखेंगे कि उसमें अक्सर डोम्स बने हुए हैं. जैसे आप देखेंगे हिंदू जिमखाना महल नहीं है लेकिन उसमें डोम्स बने हुए तो उस वक्त का ये आर्किटेक्चर था. अंदर इसमें कहीं भी बाथरूम नहीं है किचन नहीं है. उन दिनों में गालिबा ये चीज़ें घर से बाहर बनाई जाती थी तो वो आउट हाउसेज जो आप देख रहे हैं उसमें से एक आउट हाउस में किचन और वॉशरूम्स और बाथरूम्स थे. कहा जाता है इस महल से शिवरतन ने एक सुरंग भी तामीर की थी जो कि क्लिफ्टन में मौजूद कदीम मंदिर तक जाती थी जिसे उनकी बेगम मंदिर जाने और आने के लिए इस्तेमाल किया करती थी. देखें उनको यहाँ से टनल के थ्रू मंदिर में जाने की जरूरत नहीं थी. कराची उस वक्त इतनी आबादी भी नहीं थी कोई भी आदमी पैदल जा सकता था ये ऐसी कोई बात नहीं है. वो टनल इसमें बेसमेंट में एक तड़ है जिसको नहाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं छोटा सा एक पॉन्ड है. गालिबन मुझे ये लगता है कि वो उस पानी को निकाल करने के लिए वो टनल बनाया गया था उसका एक आउटलेट था यहाँ. और इसका ये कयास आ रही है कि इधर से जाना और मंदिर में जाना मंदिर में आदमी छुप के क्यों जाए समझ में नहीं आती बात. और इधर ना तो लॉलेसनेस थी ना कोई ऐसा प्रॉब्लम था कोई भी आदमी जा सकता था उस वक्त मंदिर खुले हुए थे. इसके अलावा महल के अंदर पूजा के लिए शिव का मंदिर भी बनाया गया था जिसका अब कोई निशान मौजूद नहीं. जो आपका रूफ है वो कहते थे कि वहाँ पे उनका एक फैमिली और छोटा सा मंदिर था. इस हिस्ट्री को हम ज़ाहिर वेरीफाई कर नहीं सकते बट ये कहते थे कि जब बरसाती थी उनकी जो बालकनी है और टेरेस और रूफ है वो एक छोटा सा मंदिर होती थी इसकी वजह से वहाँ पे एक कमरा है डोम वाला. इमारत के अतराफ खूबसूरत और वसी बागीचा है जिसमें लगे फवारे आज भी काम करते हैं. पुरानी तस्वीर से ये भी अंदाजा होता है कि मोहट्टा पैलेस का चेहरा समंदर की तरफ था जहां से साहिल समंदर का नजारा आसानी से किया जा सकता है. इतनी चाहत से बनाए गए घर में तरियाक की तासीर क्यों ना होती. शिव रतन मोहट्टा की अहलिया पर कराची की समंदरी हवा ने असर किया या ये राय बहादुर की बेबह मोहब्बत थी. वजह जो भी हो वो सेहतियाब हो गई. इस मौके पर जो जश्न सेहत याबी मनाया गया वो सेठ शिवरतन की समाजी शख्सियत और उनके महल दोनों के शाया निशान था. जश्न की तकरीबात में शहर की सरकर्दा शख्सियत को दावत दी गई. कराची के पहले मुंतखब मेयर जमशेद नसरवान जी मेहता भी मेहमानों में शामिल थे. जिस ठंडी समंदरी हवा ने शिवरतन मोहट्टा की बीवी को सेहत बख्शी वो अब भी चलती है लेकिन आलूदा फिजा की वजह से अपनी तासीर खो बैठी है. मोहट्टा पैलेस की छत से आज भी समंदर का नजारा किया जा सकता है लेकिन ये मंजर उतना दिल फरेब नहीं रहा जितना करीब एक सदी पहले था. अब इर्द गिर्द कॉन्क्रीट का जंगल उगाया है. शिवरतन और उनकी बीवी अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे कि 1947 का साल आ गया और पाकिस्तान का कयाम अमल में आया जिसके नतीजे में जहां लाखों लोगों ने हिजरत की वहीं शिवरतन और उनकी बीवी को भी मोहब्बत के इस महल को छोड़कर हिंदुस्तान हिजरत करना पड़ी. यूं मियां बीवी की यह खुशी चंद बरस ही चली. सेठ शिवरतन के बाद इस इमारत को हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी तहवील में ले लिया और इसे वजारत खारजा की इमारत में तब्दील कर दिया और फिर
सालहा साल तक मोहट्टा पैलेस वजारत खारजा के टाइपराइटरों के शोर से गूंजता रहा। जब पाकिस्तान बना तो इस बिल्डिंग को एक्वायर किया गया था और उन्होंने इसको रिजिस्ट किया कि मेरी कई और बिल्डिंग्स हैं, आप वो ले लें, ये ना लें। तो गालिबन कहते हैं कि जिना साहब से वो मिले और उन्होंने कहा कि आप जाके हाशिम रजा से बात करें, और उनको कोई तकरीबन 400 रुपए उस वक्त के कॉम्पनसेशन दी गई इसको अक्वायर करने के, वो गुस्से में छोड़ के चला गया। जब इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए तो वो चले गए, एंड उसके बाद कराची जैसे आपको पता है कैपिटल सिटी हो गई थी पाकिस्तान में, फेडरल कैपिटल था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स 1947 में यहाँ पे उन्होंने अपने ऑपरेशंस यहाँ से शुरू किए इस बिल्डिंग से। ये काफ़ी वक्त तक फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास रही, और फॉरेन ऑफिस, चूँकि पाकिस्तान का कैपिटल कराची था तो यहाँ फॉरेन ऑफिस हुआ करती थी, और उस वक्त इन कमरों में काफ़ी उन्होंने उखाड़ पछाड़ की, क्योंकि इस मेन बिल्डिंग में वॉशरूम्स नहीं है, किचन नहीं है, तो उन्होंने एक तो इसमें मतलब कमरों में कहाँ अटैच बाथरूम वगैरह बना के पार्टीशन वगैरह लगा के उन्होंने इसको ऐसे चेंज किया। डेढ़ दिहाई यूं गुजरी और फिर दारुल हुकूमत कराची से पहले रावलपिंडी और फिर नए तामीर होने वाले शहर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाते जाते सरकारी कारिंदे महल की चाबियां बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की बहन फातिमा जिना को थमा गए, जिन्हें ये इमारत हुकूमत की तरफ से रिहाइश गाह के लिए दी गई थी। फातिमा जिना की नस्बत से ये इमारत कसरे फातिमा कहलाई, जो आज भी हुकूमती कागजों में इस इमारत का सरकारी नाम है। शिवरतन की तरह फातिमा जिना ने भी मोहट्टा पैलेस को सीने से लगाकर रखा। वो इतने बड़े घर में तन्हा रहा करती थी, लेकिन ये उन्हें पसंद था। वो अपनी अक्सर शामें महल की छत पर गुजारा करती थीं, जहां समंदर के दिल फरेब नज़ारे उन्हें खूब भाते थे। करीब ही सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हर जुमेरात होने वाली महफिल समा वो यहां बैठकर सुना करती थीं। मोहट्टा पैलेस में ही वो हर साल 11 सितंबर को अपने प्यारे भाई कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की बरसी मनाया करती थी। महल से मुतसिल बागीचे में शामियाने लगाए जाते और शहर की एक मखसूस दुकान से बिरयानी की देगें मंगवाकर लोगों को खाना खिलाया जाता था। फातिमा जिना की वफात के बाद उनकी बहन शीरी जिना ने 1980 में अपने इंतकाल तक यहाँ कयाम किया। शीरी जिना इस इमारत को एक गर्ल्स कॉलेज बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका और उनके इंतकाल के बाद इस इमारत को मुकफ्फल कर दिया गया। फिर मोहतरमा फातिमा जिना को ये मिला इन ल्यू ऑफ हर बॉम्बे में जो उनके प्रॉपर्टीज थी उनको मिला। उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन आके यहाँ ठहरी, शीरीन फातिमा जिना, शीरीन जिना। फिर उनके इंतकाल के बाद दोनों जो उनके मोहतरमा फातिमा जिना के और मोहतरमा शीरीन जिना के जो एयर्स थे उनका आपस में कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि दोनों ने अलग अलग इसके लिए वो कहा था कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करें, किसी ने कहा हॉस्पिटल करें, किसी ने क्या कहा, तो उनके आपस में कोर्ट में उनके केसेस चल रहे थे। हमने जब ये लेने की बात की तो 1995 में, तब तक इसको सील करके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने बंद कर दिया था इसको। कई साल तक मोहट्टा पैलेस की दरो दीवार पर गर्द जमी रही, लेकिन फिर सूबाए सिंध की हुकूमत को ख्याल आ ही गया और 90 की दिहाई में 6 करोड़ रुपए की रकम से इमारत को खरीद कर उसकी तजीनो आराइश की गई। बेनजीर भुट्टो साहब आई गवर्नर सिंध से मिलने के लिए, महमूद हारून साहब उन दिनों में गवर्नर थे। उससे पहले अरोड़ा फेस्टिवल हुआ था समंदर के किनारे, जहाँ सिंध गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि वो पैसे देंगे इसको खरीदने के लिए, लेकिन फिर वो उससे नफी हो गए। तो जब बेनजीर साहिबा आईं तो महमूद साहब से मैंने कहा, मैं उस वक्त उनका सेक्रेटरी था और सेक्रेटरी कल्चर भी था, मैंने उनसे कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर साहिबा से कहें अगर वो पैसे हमें दे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है। जब मोहतरमा आईं तो मुझे महमूद साहब ने बुलाया और कहा कि आप बात करो, तो मैंने बेनजीर साहिबा से कहा कि आप हमें पैसे दें, हम ये ख़रीदना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं ख़रीदना चाहती हूँ। तो मैंने इससे कहा कि आप क्या करेंगे, इसको म्यूज़ियम बना दें और इसमें अंदर वॉशरूम वगैरह भी नहीं है, आपको काफ़ी इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो उनका पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा आपके पास सेवर रेफरल फंड में पैसे पड़े हुए हैं,
उस पर ख्वाहिश शायद ने कहा वो क्लॉज आपको अप्लाई करता है, उस हवाले से हमें पैसे मिले। फिर हमने हाई कोर्ट में पैसे जमा कराए क्योंकि उनके कंटेस्ट थी वहाँ, और हाई कोर्ट ने ही इस बिल्डिंग को इवेल्यूएट करवाया था, तो उन्होंने इसको इवेल्यूएट किया, हमने पैसे दिए और फिर हमें ये बिल्डिंग मिली। और बेनर्जी साहिबा का ये था कि आप एक ट्रस्ट बनाएंगे और फिर इसको एक म्यूजियम की तरह चलाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने एक आपस में अंडरस्टैंडिंग की कि ये जो इमारत है, क्योंकि ये बहुत एक हिस्टोरिक इमारत है और इसमें बहुत हेरिटेज के फीचर्स हैं जो कि प्रिजर्व होने चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी ऑफ ट्रस्टीज जो कि कराची पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो के लोग हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग, कुछ आर्किटेक्ट, हेरिटेज स्पेशलिस्ट, वो जो है वो इस बिल्डिंग के ट्रस्टीज की बॉडी फॉर्म करेंगे और ये म्यूजियम बनेगा। 1995 में ये डिसीजन लिया गया था एंड बाय 1999 सितंबर में ये म्यूजियम खुला था पब्लिक के लिए। मोहट्टा पैलेस को सकाफती विरसा करार देकर उसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया, जहां सारा साल फनून लतीफा से मुतालिक नुमाइशों का इनेकाद किया जाता है। इस तरह ये तारीखी इमारत अब कराची की सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन चुकी है। ने ये म्यूजियम खोला उस वक्त पहली मरतबा जो सिंध के हाकिम थे, तालपुर खानदान जो थे उनके नवादरात थे जो उन्होंने कभी बाहर नहीं निकाले, कभी लोगों को देखने भी नहीं दिए। तो बड़ी मेहरबानी की हिजाइनस मीर खैरपुर ने और हैदराबाद के जो मीर साहब हैं मीर हैदर अली वालों ने, उनके वालिद थे चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, उन्होंने अपनी नवादरात हमें दी जिसमें हम इनकी पुरानी तलवारें, बंदूकें, इनके लिबास और कुछ इनके घर में जो गेम्स वगैरह खेली जाती थी वो मीर खैरपुर के जो मीर साहब थे उनके अपने लिबास, उनकी टोपी, उनके जूते जिसमें हीरे मंजे हुए थे। डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जीबिशन हो चुकी हैं, हम लोगों ने हिस्टोरिकल एग्जीबिशन की है यहाँ पे जो कि जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइट्स, जैसे मकली का जो आपका नेक्रोपोलिस है जहाँ पे ग्रेवयार्ड है जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फीचर है सिंध का, उसके बारे में हमने बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही डिटेल एग्जीबिशन किया हुआ यहाँ पे मोहट्टा में। फिर उसके बाद गंदारा की चीज़ें, वो जो उसमें ये था कि गंदारा के एग्जिबिट्स कोरिया गए हुए थे एग्जिबिशन के लिए, तो वो जब कराची आए तो हमने उनसे कहा कि आप हमें दे दें, हम यहाँ लगाएंगे, वो हमने लगाए। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि नेशनल म्यूजियम में पड़े हुए थे खस्ता हालत में, अभी भी खस्ता हालत में है, वो हमने ठीक ठाक करके इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट्स की एक एग्जिबिशन की। फिर एक बहुत बड़ी एग्जिबिशन जो हमीद हारून ने की ज्वेल इन द क्राउन कराची के हवाले से, उसमें कोई हज़ारों एग्जिबिट्स थे, तस्वीरें एग्जिबिट्स वो थी। हमने रिट्रोस्पेक्टिव किया, जो सबसे बड़ी एग्जिबिशन थी वो सादिक ऐन की, उसके बाद जमील नक्श की राशिद राणा की एग्जिबिशन की, छोटी मोटी अलग आर्टिस्टों की एग्जिबिशन की। मोहट्टा पैलेस आने वालों के लिए जो चीज खुशगवार हैरत का बायस बनती है वो यहाँ रखे गए धाज और पत्थर के मुजस्मे हैं जो किसी जमाने में शहर के मारूफ अवामी मकामात पर नस्ब किए गए थे, जिन्हें किसी वजह से सड़कों और चौराहों से उठाकर गोदामों और सरकारी दफ्तरों में रख दिया गया था। मोहट्टा पैलेस वालों ने जगह जगह जाकर ये मुजस्मे इकट्ठे किए और मुरम्मत करके अपने अहाते में नुमाइश पर रख दिए। इनमें सबसे मशहूर कराची के फ्रेयर हॉल में नस्ब मलका विक्टोरिया का मुजस्मा है जिसे 60 की दिहाई में वहां से हटा लिया गया था। ये दो मूर्तियां जो हैं, ये एक तो क्वीन विक्टोरिया का है, उसका नाक उड़ा हुआ था जो कि बाद में हमने उसको रेस्टोर किया, और एक पारसी सेठ थे जिनकी मूर्ति है उनकी गर्दन नहीं है, वो हमारे पास है। और फ्रेयर हॉल पे गालिबन वो एक जस्टिस का एक ब्रास का एक मॉन्यूमेंट था, एक सोल्जर है, एक जस्टिस का है, दो बच्चे हैं, वो हमारे पास हैं और वो हमने पीछे रखे हुए हैं, और वो इस वजह से उनको हमने पॉलिश भी करवाया, उनको बहुत बुरा हाल था। उसका मसला ये है कि उनको अनकरीब यहाँ एक हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उस पर वो चीज़ें रखी जाएंगी। जहन में सिर्फ एक बात रखिएगा कि दिस इज़ स्टिल अ म्यूजियम इन द मेकिंग।
राय बहादुर शिवरतन मोहट्टा का अपनी बीवी से मोहब्बत का मजहर मोहट्टा पैलेस आज भी कराची की हातिम अलवी रोड पर जू का तू मौजूद है। लेकिन अब न शिवरतन है और न ही उनकी महबूब बीवी। आज इस महल के दरवाजे आम आवाम के लिए खुले हैं, जो उन दरों दीवार को दिल भर के देख सकते हैं जहां कभी शिवरतन और उनकी बीवी रहा करते थे। इमारत के गिर्द बने बाग में नंगे पांव टहल सकते हैं, जहां कभी रात गए तक चलने वाली महफिलें मुनक्किद होती थीं और उन फवारों से छलकते पानी से हाथ भिगो सकते हैं जहां कभी फातिमा जिना शाम की चाय पिया करती थी। अब यहां सकाफती मेले लगते हैं और मारूफ फनकारों के फनपारे नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। लोग आज मोहट्टा पैलेस को फकत एक म्यूजियम की हैसियत से जानते हैं, लेकिन हम इसे एक मोहब्बत की निशानी के तौर पर जानते हैं। आज का किस्सा यहीं तमाम हुआ। अगले एपिसोड में एक नए किस्से के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान पारस मसरूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।